उन अफगानियों की कहानी जिन्हें पाकिस्तान ने निकाला और जिनके नाम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने कर दी अपनी जीत। पाकिस्तान ने अफगानियों को किया था बेइज्जत, मजबूरी में शरण लिए लोगों को कहा था बोझ, अब उसी बोझ ने हराया। इब्राहिम जादरान ने शरणार्थियों के नाम पर किया अपना मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान के जख्मों पर छिड़का नमक। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वनडे वर्ल्ड कप में पहली बार हराया तो अफगानिस्तान के लोग झूम उठे और पाकिस्तान के लोग टीवी तोड़ने लगे, लेकिन उसके जख्मों पर नमक तो मैन ऑफ द मैच बने इब्राहिम जादरान ने छिड़का। इब्राहिम जादरान ने मैन ऑफ द मैच लेकर कहा, मैं ये जीत उन शरणार्थियों के नाम करता हूँ जिन्हें पाकिस्तान ने अपने देश से निकाल दिया और खुले आसमान के नीचे बिना छत के छोड़ दिया। और सोचिए किसके सामने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीज रजा, जो अफगानिस्तान वालों को तो खिलाड़ी ही नहीं मानते थे, जो कहते थे इन्हें तो हमने खेलना सिखाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन शरणार्थियों की कहानी क्या है जिन्हें पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश से निकाल दिया। दरअसल अफगानिस्तान के लोगों के पाकिस्तान पहुंचने की शुरुआत साल 1989 में हुई। तब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। इस हमले में जान बचाने के लिए लाखों अफगानियों ने पाकिस्तान का रुख किया था। सोवियत संघ के हमले के बाद करीब 50 लाख अफगानियों ने अपना देश छोड़ दिया। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान गए जबकि कुछ पश्चिमी देशों में पहुंचे। अफगानिस्तान से दूसरा बड़ा विस्थापन 2021 में हुआ जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 80 लाख से ज्यादा अफगानी देश छोड़ चुके हैं, जबकि लगभग 3.5 लाख लोग अपने ही देश में विस्थापकों की तरह जी रहे हैं। यूएन के मुताबिक पाकिस्तान में 1.3 मिलियन अफगानियों ने खुद को रजिस्टर करवा रखा है जो वैध शरणार्थी हैं, जबकि अवैध रूप से रह रहे शरणार्थियों की आबादी 17 लाख के लगभग है। इन शरणार्थियों से पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार के गृह मंत्री सरफराज बुगाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे प्रवासी अक्टूबर के अंत तक खुद अपने देश वापस चले जाएं, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि अवैध प्रवासियों के कारोबार और संपत्तियों को भी सरकार जब्त कर लेगी। पाकिस्तान के इस फैसले पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए पुनर्विचार के लिए कहा था। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों को प्रवेश की अनुमति देने की अपील की। पाकिस्तान सरकार के फैसले के बाद अफगान शरणार्थियों को देश से बाहर निकाला जाने लगा। अब तक 50,000 से ज्यादा शरणार्थियों को पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया। इब्राहिम जादरान ने अपना अवार्ड पाकिस्तान से बाहर निकाले जा रहे इन्हीं अफगानियों को समर्पित किया। जादरान का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जादरान के बयान को पाकिस्तान द्वारा शरणार्थियों को 1 नवंबर तक देश छोड़ने के अल्टीमेटम का जवाब माना जा रहा है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उनकी इस भावना को लेकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स ने उनकी तुलना पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान से की है। रिजवान ने वर्ल्ड कप में ही श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद अपने शतक को फिलिस्तीन के लोगों को समर्पित किया था, लेकिन इसे रिजवान के बयान से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि जादरान ने अपने देश के लोगों को मैन ऑफ द मैच डेडिकेट किया था, जबकि रिजवान ने फिलिस्तीन के लिए कहा था। दोनों में फर्क था, बहुत बड़ा फर्क था।